गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समसामयिक घटनाचक्र। समसामयिक घटनाचक्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जिस बुक का रिव्यू देने जा रहे हैं वो ए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। इसमें हम प्रीवियस ईयर सॉल्ट पेपर्स 2004, 2007, 2008, 2011 और 2013 के जो नॉन टेक्निकल पोर्सन है, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का टॉपिक वाइज सिलेबस सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड एग्रीकल्चर सभी ट्रेड के लिए उपयोगी होने वाला है। और इस बुक का जो कोड है वो 20110U है। इस बुक का कोड अब प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। और ये हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ssgcp.com पर विजिट कर सकते हैं, या हमारी ऑनलाइन shop.ssgcp.com पर शॉपिंग कर सकते हैं इस बुक का, या आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, SS घटनाचक्र के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। GS के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप डेली बेसिस पे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, समसामयिक घटनाचक्र के नाम से ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पर आपको फॉलो करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस बुक में आपको 5 ईयर के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हिंदी और सामान्य अध्ययन के, जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको वर्तमान परीक्षा का सिलेबस मिल जाएगा, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 नंबर के। फर्स्ट पेपर में सामान्य हिंदी रहेगा, सेकेंड पेपर में जो रहेगा सामान्य अध्ययन रहेगा, 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का और 75 नंबर का रहेगा। टेक्निकल फर्स्ट पेपर में 300 नंबर के और सेकंड पेपर में 300 नंबर के, टोटल आपके 750 नंबर का हो जाएगा। 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो टोटल 850 नंबर के हो जाएंगे। सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये 2013 का पेपर हुआ था लास्ट, उसमें आपका सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है, उत्कर्ष, एकत्र, सदृश, स्थायित्व। तो उत्तर सी सही है आपका, क्योंकि सदृश की वर्तनी शुद्ध है, बाकी दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है, शुद्धिकरण, हिरण्यकश्यप, श्राप, लब्ध, प्रतिष्ठित। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा, अन ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है, उसके यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन, सारे पेपर के जो रहेंगे, ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2013 के एग्जाम का हिंदी पोर्शन है, जो हिंदी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका देखिए, ये आपके असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर, जब 2013 में पेपर हुआ था 100 क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से। इसके बाद यहाँ पे आपका जनरल स्टडीज के पेपर स्टार्ट होते हैं। जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन का जो पेपर रहेगा वो आपका बायलैंग्वल रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो निम्नलिखित में कौन सा पक्षी दूध उत्पादित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स प्रोड्यूस मिल्क। तो आपके कपोल और फक्ता दोनों आपके दुग्ध उत्पादित करते हैं। दिए गए विकल्पों में कपोल या कबूतर एवं फक्ता दोनों दुग्ध उत्पादित करते हैं। स्तनधारियों में जहाँ केवल मादा दूध उत्पादित करती है, वहीं कबूतर में नर एवं मादा दोनों दुग्ध उत्पादित करते हैं, जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है। कपोत के अतिरिक्त फ्लेमिंगो एवं पेंगुइन भी क्रॉप मिल्क का उत्पादन करती है। दूसरा क्वेश्चन है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर ह्यूमन इज। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। उसकी भी डिटेल यहाँ पर जानकारी दी गई है। मानव के लिए स्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तथा मानव दृष्टि से संबंधित मुख्य दोष निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस तथा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको आपको सारे क्वेश्चन बायलैंग्वल, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। 2013 के 100 क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। इसके बाद जो वो तो हिंदी का होगा, जनरल स्टडीज़ के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जनरल स्टडीज़ के भी 100 क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं 2013 में। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सिलिकॉन इज ए, 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर। तो 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन एक इंसुलेटर होता है। तो ऑप्शन सही है। क्यों सही है,
केल्विन ताप पर सिलिकॉन कुचालक की तरह व्यवहार करता है। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम एक प्रकार के अर्धचालक हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। अर्धचालक की विद्युत चालकता समान ताप पर चालक की चालक व कुचालक पदार्थों की चालकताओं में के मध्य होती है। तो वो इंसुलेटर इसका ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपको 2013 का पेपर सॉल्व मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2011 में, उसके पहले हिंदी पोर्शन का सॉल्व पेपर्स मिलेगा, उसके बाद आपको इसके समान अध्ययन पोर्शन का सॉल्व मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन हिंदी के समाप्त होते हैं। इसके बाद जनरल स्टडी का पोर्शन आ जाता है, जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा हमारे पास यूपीएससी ए के लिए सिविल पॉइंटर, इलेक्ट्रिकल पॉइंटर और मैकेनिकल पॉइंटर आता है, वो आपको मिल जाएगा। वाओ की सीरीज़ हमने चालू की है इंग्लिश के लिए, तो वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 हमने लॉन्च कर दिया है। अब इस लास्ट मंथ में आपको वॉल्यूम 5 का रिव्यू मिलने वाला है। जो इस बुक की आईडी है वो 20110U है, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर जो है 9335140296 है, 8881443557 ये भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है। तो इस पर अभी आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट बुक किस बुक का रिव्यू चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।